मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वालों में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में आपके सेविंग और आपके बचत करने के लिए एक वीडियो बनाया है। ये बचत है वॉल प्राइमर की। वॉल प्राइमर जो आप दीवार पे पहले अप्लाई करवाते हैं, फिर पुट्टी करवा करके फिर वॉल प्राइमर करवाते हैं, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा बैठता है, दीवार ज़्यादा सोखता है और पैसा भी आपका अच्छा खासा लग जाता है। उसी की बचत करने के लिए एक वीडियो ये है कि आपका पैसा बच जाए, प्राइमर का भी काम हो जाए और दीवार भी लाइफ अच्छी हो जाए उसकी, और वो कंटिन्यू आपको अच्छा दिखे। तो उसी के बारे में एक छोटा सा है, ये नैरोलैक कंपनी का इकोनॉमी रेंज का प्राइमर है। इसका इस तरह का पैकिंग आता है जो आपको कोई नहीं बताएगा आज के डेट में, वो सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा, आशीष नॉलेज वाले पे। आज मैं उसी के खुलासे की बात कर रहा हूँ। ये नैरोलैक का इकोनॉमी रेंज का वाटर बेस प्राइमर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कंसाई नैरोलैक, यहाँ पे नैरोलैक इकोनॉमी प्राइमर वाटर टिंटेबल। इस तरह का ये लाइट पर्पल कलर का डिब्बा मिल जाएगा। ये 10 लीटर की पैकिंग है। इसमें कंपनी दो पैकिंग सिर्फ बनाती है, एक 10 लीटर और एक 20 लीटर की। ये लगभग आपको 100 रुपये या 110 रुपये लीटर प्राइमर आसानी से मिल जाएगा। हर नैरोलक के शॉप पे या नैरोलक के डीलर के यहाँ मिल जाएगा ये आपको। इससे सस्ता प्राइमर आपको नहीं मिलेगा। ये आपके बचत के लिए भी है, आपकी जानकारी के लिए भी है और आपके घर के पोताई के लिए भी सबसे सस्ता, बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। लगभग इसकी एमआरपी कंपनी दो पैक बनाती है, 10 लीटर 20 लीटर जैसे मैंने आपको बताया, तो 10 लीटर की एमआरपी डिब्बे पे 1245 रुपये की होती है और 20 लीटर के पैकिंग की एमआरपी 2436 रुपये की होती है। दो पैकिंग ही आती है। ये वाइट कलर के बेस में आता है, वाइट कलर का इसके अंदर मटेरियल होता है, जो आप अप्लाई करेंगे तो वाइट वाइट होता है। इसमें आपको पानी मिक्स करना होता है, पानी पर 1 लीटर में 500 से 600 ml पानी भी ऐड करना है। इसका कवरेज एरिया काफ़ी अच्छा होता है, ये लगभग 1 लीटर में 90 से 100 स्क्वायर फिट आसानी से कवर कर लेता है। और अगर आप इसको दो कोट करेंगे तो वहाँ पे 1.5 लीटर लग जाएगा आराम से। इसका जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो पहले दीवार अगर प्लास्टर किया हुआ है तो वहाँ पे पहला कोट इसका अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमी प्राइमर का, फिर उसके ऊपर पुट्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। पुट्टी करने के बाद फिर आप उसके ऊपर एक कोट और प्राइमर कर सकते हैं। ये ओनली फॉर इंटीरियर वॉल के लिए होता है, एक्सटीरियर के लिए नहीं होता। ये सिर्फ आपको अंदर के दीवार पे ही अप्लाई करवाना है। कंपनी बेस्ट बिफोर इसमें 3 साल के देती है, जब से मैन्युफैक्चरिंग होता है तब से ये 3 साल आराम से रख सकते हैं। ये नैरोलैक का सबसे सस्ता और इंटीरियर वॉल के लिए सबसे सस्ता प्राइमर होता है, जो नैरोलैक इकोनॉमी प्राइमर के नाम से आता है। ये वाटर बेस होता है, इसमें आपको पानी ही मिक्स करना होता है। इसको आप सीमेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीमेंट करवाना चाहते हैं उससे अच्छा है कि ये इकोनॉमी प्राइमर डायरेक्ट दीवार पे प्लास्टर पे यूज़ करवा करके एक कोट दो कोट उसके बाद कोई भी इमल्सन उस पर अप्लाई करवा सकते हैं। मतलब सीमेंट का खर्चा करने से अच्छा है कि आप प्राइमर लेकर के डायरेक्ट अप्लाई करें। प्राइमर की मजबूती, प्राइमर का लॉन्ग लाइफ होता है ज़्यादा सीमेंट से, और ये पकड़ भी अच्छे से बनाएगा, और जब आप उसके ऊपर कोई भी इमल्सन या डिस्टेंपर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से चढ़ेगा और रिफ्लेक्ट करेगा और अच्छा लगेगा देखने में। तो इकोनॉमी रेंज का प्राइमर है, काफ़ी सस्ता रेंज का मटेरियल है और बजट वाला भी है। आपको सस्ता भी रहेगा और आपको लगेगा कि काम भी अच्छा कर रहा है। थोड़ा सा इसका मटेरियल थोड़ा सा गाढ़ा होता है क्योंकि ये कवरेज एरिया इसकी थोड़ी कम होती है और सबके प्राइमर के रेंज में, मगर जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे वाइट वॉश हो जाएगा, बढ़िया दिखेगा ये। तो एक छोटी सी जानकारी थी इकोनॉमी प्राइमर की नैरोलैक के। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, ये जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।